पे रहने में दिक्कत नहीं होती तुम लोग को? मतलब बदबू इतना बहुत दिक्कत है। क्या दिक्कत होती है छोटू? नाम क्या है तुम्हारा? फहीम। और तुम्हारा? नूर आलम। सब यही कचरा फेंक के जाते हैं। तो बॉल तुम लोग का तो जाता होगा इसमें ना? नहीं, हम लोग प्लेट करते हैं। है और एक न्यू ब्लॉग में आप लोग कैसे हैं? आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो भाई सभी इस वक्त मैं हूँ कुरला वेस्ट में और चलने वाले हैं आज कुरला ईस्ट में। एक कुरला गार्डन है जो कि बहुत मशहूर है, वहाँ पे चलने वाले हैं। आपको एक ऐसा चीज़ दिखाने वाले हैं जो कि बहुत ही फेमस है। एक है मीठी नदी, जो कि अभी फ़िलहाल बारिश के टाइम में वो मीठी नदी हो जाती है पूरा गटर, बहुत भयानक गटर हो जाती है। कि बारिश के समय में आजकल आपको पता ही है कि मुंबई का बारिश हो, देख सकते हैं हल्की फुल्की बारिश हो रही है, फिर भी हम चल रहे हैं। आज आपको दिखाने वाले हैं गाइस, ये सीढ़ी चढ़ के हम ऊपर चलेंगे और आपको दिखाने वाले हैं वहाँ का मंज़र। बारिश के समय फ़िलहाल मुंबई में तो दिक्कत रहता ही है। ये देख सकते हैं हम इस ब्रिज पे आ गए हैं और ये एरिया पूरा आपको चूनाभट्टी का है और ये पूरा कुरला वेस्ट है। हम कुरला ईस्ट में चलने वाले हैं और देख सकते हैं रेलवे पटरी है। ये दो पटरियाँ आपस में मिलती हैं, एक हार्बर लाइन है, एक सेंट्रल लाइन है। देख सकते हैं ये एरिया पूरा चूनाभट्टी है। इधर का आप जो दिख रहा है ये चूनाभट्टी एरिया है और ये वाला पूरा कुरला कसाईवाड़ा और बाकी जो भी इधर के एरिया हो, देख सकते हैं ये सेंट्रल लाइन की है रेलवे पटरी जिस पर लोकल ट्रेन अभी निकल रही है। और ये दो पटरियाँ जो आपको इधर दिख रही हैं ये दोनों ये हार्बर लाइन की है। और फिलहाल अभी पटरियों पे काम चल रहा है, देख सकते हैं बारिश के समय में काम चल रहा है। अभी देख सकते हैं लोग पटरियों पे काम कर रहे हैं। फिलहाल हम चल रहे हैं अब कुरला ईस्ट की तरफ। यहाँ पे भी आपको झोपड़ा वोपड़ा देखने को मिल जाएगा कुरला ईस्ट में भी, लेकिन सामने आपको हम चल के दिखाते हैं वहाँ का मंज़र। फिलहाल बारिश हल्की फुल्की हो रही है, ज़्यादा दिक्कत है नहीं। हम चलने वाले हैं बीकेसी की तरफ। बीकेसी की तरफ उधर हम आपको दिखाने वाले हैं मीठी नदी का व्यू। उसका नाम मीठी नदी है लेकिन फ़िलहाल चल के आपको हम दिखाते हैं वो असल में दिखती कैसी है, इतना मशहूर वो नदी है। यहाँ पे भी ऐसा देख सकते हैं कि झोपड़े साइड साइड में रोड के किनारे रहते हैं। तो फिलहाल बारिश हल्का फुल्का हो रहा है, दिक्कत नहीं है, निकल जाएंगे। जैसा कि देख सकते हैं हम मीठी नदी की तरफ चल रहे हैं और ये देख सकते हैं बहुत कचरा वाला एरिया है। यहाँ पे कुरला का सभी जो कचरा होता है यहाँ पे जमा होता है, इसको कचरा डंपिंग बोलते हैं। देख सकते हैं पूरे कुरला का कचरा यहीं पर आके जमा होता है। फिलहाल हम मीठी नदी की तरफ जा रहे हैं, देख सकते हैं इधर बहुत सारी कारखाने और खाने हैं और बहुत ज़्यादा कचरा वाला एरिया। आप मुंबई सिटी में कहीं पे भी जाएंगे तो आपको ऐसे झोपड़ा देखने को मिलेगा और इसी झोपड़े में बड़े बड़े बिजनेसमैन अपना बिजनेस करते हैं। देख सकते हैं साइड में कबाड़ वाले, कपड़ा वाले, बहुत सारे ऐसे बिजनेस वाले हैं जो कि इस झोपड़े में भी लाखों की कमाई करते हैं, फिर भी यहाँ पे लोग अपनी ज़िंदगी को नर्क की तरह जीते हैं। अच्छा खासा पैसा होने के बावजूद भी यहाँ पे रहते हैं। देख सकते हैं सामने कुरला डंपिंग है जो कि कचरा पूरा जमा होता है और बदबू बहुत भयानक आ रही है, फिर भी लोग यहाँ पे रहते हैं और बच्चे यहाँ पे खेलते कूदते भी हैं। देख सकते हैं बच्चे कुछ स्कूल जा रहे हैं और ये कचरा पूरा डंपिंग महकता बहुत बेकार है, बहुत ख़राब बदबू आती है। फिलहाल हम चलते हैं मीठी नदी का, हम आपको दिखाते हैं। मेन मकसद हमारा है मीठी नदी को दिखाना जो कि बहुत ही भयानक गटर बन चुका है बारिश के समय में, इतना भयानक कि आप पूरे मुंबई में ऐसा भयानक गटर कहीं नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि ये मुंबई के बीचों बीच शहर सिटी में है जो कि कुरला में। भाई देख सकते हैं हम मीठी नदी के पास आ चुके हैं और ये मीठी नदी कैसे गटर सब लीक हो चुकी है। देख सकते हैं मीठी नदी कैसे गटर में बदल चुकी है।
ये कभी यहाँ पे साफ पानी रहता होगा, लेकिन फिलहाल अभी पूरा कचड़ा पट्टी वाला ये नदी बन चुकी है। देख सकते हैं सामने आपको BKC दिख रहा होगा, और ये नदी फिलहाल इसका नाम मीठी नदी है, लेकिन ये एक नदी एकदम पूरा कचड़ा से भर चुकी है, बहुत बदबू आ रहा है यहाँ पे। देख सकते हैं यहाँ पे लोग अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, और ये गटर का पानी इसी में जा रहा है। देख सकते हैं किनारे किनारे झोपड़ पट्टियाँ हैं जहाँ पे लोग अपनी ज़िंदगी को जीते हैं और रहते हैं मुंबई में। फ़िलहाल कैसे कैसे लोग अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं मुंबई में, फ़िलहाल देख सकते हैं इधर ये पूरा लोग रहते हैं, और गटर सामने आमने सामने जा रहा है, और लैट्रिन का पानी बाथरूम का पानी आ जा रहा है। मतलब बहुत गंदगी है यार, क्या बोला जाए कि ये यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं। देख सकते हैं पूरा, और इसी में किसी किसी का घर का फेस इस नाले के सामने भी है। देख सकते हैं सामने किसी किसी का घर का फेस, मतलब जिसको द्वार बोलते हैं, दरवाज़ा एकदम गटर के सामने है। बहुत बास आ रही है यहाँ पे, और यहाँ पे लोग अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करते हैं। देख सकते हैं मुंबई में तो लोग बोलते हैं मुंबई चलना है, मुंबई में रहना बहुत ही समस्या है, बहुत ही कठिन है। यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं आप सोच भी नहीं सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कितनी पतली सी रास्ता है, इसी में लोग रहते हैं। इधर से रास्ता है कि नहीं एक बार देखें, इधर से भी रास्ता है पर इधर नहीं चलेंगे, इधर चलेंगे। देख सकते हैं यहाँ का ये मंज़र है। फिलहाल इस नदी का तो नाम मीठी नदी है, लेकिन अभी ये मीठा क्या इतना गंदगी वाला नदी बन चुका है कि क्या ही बोला जाए। देख सकते हैं सामने का व्यू, उस तरफ काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपको दिख रही होंगी, इधर BKC है, सामने भी आपको बिल्डिंगें दिख रही होंगी, लेकिन ये एरिया लोग कैसे यहाँ पे रहते हैं आप समझ सकते हैं यहाँ की स्थिति क्या होगी। फिलहाल इस बस्ती में चलते हैं और देखते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे झोपड़े हैं और लोग रहते हैं। देख सकते हैं बारिश के समय में क्या हाल रहता होगा यहाँ पे पूरा। फिलहाल इधर आओ, तुम लोग यहीं पे रहते हो? तुम लोग यहीं पे रहते हो? नहीं, क्रिकेट खेल रहे हो तुम लोग? वीडियो बना रहे, ब्लॉग ना खेलोगे? आओ खेलो। नहीं, यहाँ पे कहाँ खेलोगे, यहाँ पे पत्थर में प्लेट करेंगे, प्लेट करेंगे यहाँ पे प्लेट। अच्छा, यहाँ पे रहने में दिक्कत नहीं होती तुम लोग को? मतलब बदबू इतना मार रहा है यार, फिर भी रहते हो? बहुत दिक्कत है। क्या दिक्कत होती है छोटू? नाम क्या है तुम्हारा? फ़हीम। और तुम्हारा? नूर आलम। किसका? समीर। तुम्हारा समीर नाम है? तो क्रिकेट खेलते हो? मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ। सब यहीं कचरा फेंक के जाते हैं? तो बॉल तुम लोग का तो जाता होगा इसमें ना? नहीं, हम लोग प्लेट करते हैं। तो फिर भी कभी बाई चांस तो बॉल जाता होगा ना उसमें? इसमें कैसे खेलते हो यार तुम लोग, इतना पत्थर है। एक बॉल डालो। इधर नहीं होती। ओ, डॉट कर गया। तो गाइस, मैंने आपको मीठी नदी का नज़ारा दिखाया, बहुत गंदगी है वहाँ पे। लोग जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं बोल रहे हैं यहाँ पे बहुत बास आती है, बहुत दिक्कत रहती है। फिलहाल हम यहाँ से निकल रहे हैं बाहर की तरफ, तो यहाँ पे रहना बहुत समस्या है। और मुंबई में ये झोपड़पट्टी वाला जो भी एरिया है, बहुत कचरा वाला एरिया है, यहाँ पे दिक्कत तो बहुत रहती है। तो यहाँ से हम निकल रहे हैं, देख सकते हैं ये बाहर का रास्ता है। तो हम बाहर आ गए हैं, देख सकते हैं ये कुर्ला हाईवे है जो कि स्टेशन पे जाता है। तो फिलहाल निकल रहे हैं हम भी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।